फराज सईद, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज CSS 2022 से में एलोकेट हुए हैं। सर प्लीज़ कम ऑन स्टेज। सर फराज का ताल्लुक पंजाब से है और नोवा के बैच 277 के ये स्टूडेंट हैं। सर फराज सईद पास और 19th पोजीशन रही CSS 2022 में। थैंक यू सो मच सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल द ऑफिसर्स दैट हैव बीन इंडक्टेड इनटू द 52nd कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इस सारी जर्नी के अंदर आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली मेंबर्स और इवन आपकी फैकल्टी, द नोवा फैकल्टी और एनी अदर फैकल्टी फॉर दैट पर्पस, इन्होंने बहुत रोल प्ले किया है आपको। और इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जितने भी यहाँ पर 52nd कॉमन के या इवन 51st कॉमन के ऑफिसर्स बैठे हैं, उनकी अपनी अनथक मेहनत थी जिसकी वजह से जो है उन्होंने ये कामयाबी अचीव की। मेरा नोवा के साथ जो जर्नी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ CSS का, वो 2018 में था। आई ट्राइड फॉर द CSS अटेम्प्ट इन 2019 बट आई फेल्ड, सो आई हैड टू स्टार्ट अगेन। और मैंने फिर CSS 2022 में दोबारा जाके CSS की अटेम्प्ट दी। यहाँ पर मैं बहुत सारी अपनी शख्सियात, अपने मोजेस टीचर्स को देख रहा हूँ। आई हैव लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम सर गोंदल बैठे हैं, सर अपने जाहिद साहब बैठे हैं, सर अहद रजा मीर बैठे हैं, सर रजा अंसारी साहब बैठे हैं, डॉक्टर आरिफ साहब बैठे हैं, आई कॉन्ट नेम ऑल ऑफ दीज रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल, सर बाबा खेल बैठे हैं, एंड आई कॉन्ट इवन थैंक इनफ सर अली, सर फरीद, इनकी अनथक मेहनत से ना सिर्फ इंटरव्यू में और रिटर्न में, सॉरी ना सिर्फ रिटर्न में बट इंटरव्यू में भी मुझे बहुत हेल्प दी। सर अली का मुझे याद है कि हमारा साइकोलॉजिकल होना था और सुबह सर का वॉइस नोट आया होता था कि फराज बेटा यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू कैन क्रैक इट। उसके अलावा इंटरव्यू से पहले भी सर का एक दफ़ा ज़रूर टेक्स्ट आता था और उसके बाद वो सर इन्वाइट करते थे। सो थैंक यू सो मच सर अली, इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद नोवा। थैंक यू सो मच गाइज़।